हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रिलेटेड रहेगी असाइनमेंट सबमिशन को लेकर, क्योंकि सर इग्नू में एक रीजनल सेंटर है जिसने ऑफिशियली ये जारी कर दिया कि सर उनके पास जितने ही बच्चों ने सर असाइनमेंट अगर सबमिट कर दिए हैं तो सर उन्हें अब जो है दोबारा से जो है असाइनमेंट को सबमिशन करना पड़ेगा। और सर अगर इस रीजनल सेंटर ने ये कदम उठाया तो जाहिर सी बात है जिन रीजनल सेंटर ने अभी तक अपने असाइनमेंट सबमिशन के स्टेटस जारी नहीं किए वो भी ये कदम उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इग्नू की वेबसाइट पर, जो कि आरसी दिल्ली 1 की ऑफिशियल वेबसाइट है। इन्होंने मैसेज जारी किया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। चलिए पढ़ते हैं सर। असाइनमेंट सबमिशन लिंक फॉर जून 2020 सेशन। जी हाँ दोस्तों, जून 2020 सेशन के बच्चों को जो कि असाइनमेंट सबमिशन करना था, लाइक उनकी लास्ट डेट है 15 जून, जो कि अब शायद एक्सटेंड की जाएगी, क्योंकि सर ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है नई की किस लिंक पे जाके जो है अब इनको अपना असाइनमेंट सबमिशन करना है। पूरा प्रोसीजर इन्होंने बता दिया है सर, किस तरह से जो है असाइनमेंट आपको सबमिशन करना है। चलिए पढ़ते हैं। डीएल स्टूडेंट ऑफ आरसी दिल्ली 1, मतलब सर रीजनल सेंटर दिल्ली 1 की बात हो रही है। पढ़ते हैं। इट इज नोटिफाइड इन सुपर सेशन ऑफ ऑल प्रीवियस सर्कुलर रिगार्डिंग असाइनमेंट सबमिशन बाय ईमेल बाय लर्नर ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 ड्यू टू द सेवरल इश्यूज एंड क्वेरी ऑफ द लर्नर रिगार्डिंग देयर इनएबिलिटी टू सेंड स्कैंड फाइल टू हैंड रिटन असाइनमेंट बाय ईमेल फाइल साइज लिमिटेशंस नो रिसिप्ट ऑफ देयर सबमिशन असाइनमेंट चांसेस ऑफ मिसिंग ऑफ देयर असाइनमेंट एट एनी स्टेज ऑफ असाइनमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो फॉर द स्मूथ handling of the bulk of assignment received through email by regional centers and LSC staff and a concerned academic counselor a Google form link is created as follow। सर बेसिकली क्या कहा गया सर इस नोटिफिकेशन के जरिए कि सर जो पहले जिन बच्चों ने भी जो है अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे उसमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक स्कैन पेजेस को सबमिट करने में ईमेल के द्वारा, क्योंकि सर कई बार फाइल साइजेस में दिक्कत आ जाता था या फिर नॉन रिसिप्ट सर रिसिप्ट नहीं मिल पा रही थी बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी सर, मिसप्लेस हो जा रहे थे असाइनमेंट उनके और ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा जो है क्या हो जाता है सर, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था। तो सर इग्नू ने क्या किया सर, इग्नू ने इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए क्या किया, गूगल लिंक फॉर्म जो है बनाया जिसके रिगार्डिंग आप इस गूगल फॉर्म को भर के जो है अपना असाइनमेंट जो है जमा करा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। पढ़ते हैं सर और क्या क्या जो है इसमें बात कही गई है। प्लीज़ नोट दैट यू मे डाउनलोड असाइनमेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लिंक। दोस्तों आप ये इस लिंक पर क्लिक करके जो है असाइनमेंट अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करते ही जो है अपना जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, लर्नर आर रिक्वेस्टेड टू चेक इग्नू रीजनल सेंटर्स वेबसाइट एंड रीजनल सेंटर्स फेसबुक पेज फॉर द लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन। लर्नर क्या कर सकते हैं सर, लर्नर से रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे अभी फेसबुक पेज से चेक करें सर असाइनमेंट सबमिशन की डेट क्या है। तो सर मैं आपको अभी बता देता हूँ, असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो 15 जून है। तो अभी जिस तरह से सर इन्होंने आज चेंज किया है इसके अंदर असाइनमेंट सबमिशन को लेकर, तो जाहिर सी बात है इस डेट को आपकी एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी के लिए सर 15 जून है, बाकी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अगर आपका असाइनमेंट पूरी तरह तैयार है तो सर क्या दिक्कत है, आप जो है अभी के अभी अपना असाइनमेंट सेंड कर दीजिए। आगे पढ़ते हैं सर। इफ़ यू हैव सबमिटेड योर स्कैन कॉपी ऑफ असाइनमेंट अर्लियर बाय ईमेल, क्या कहा सर, अगर आपने पहले ही ईमेल के जरिए अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो एट एनी ऑफ ईमेल ऑफ इग्नू रीजनल सेंटर दिल्ली 1 देन ऑल्सो You are required to resubmit the same assignment file in a PDF. क्या कहा सर इन्होंने, सर अगर आपने प्रीवियस मतलब सर पहले ही ईमेल के जरिए जो है अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रीसबमिशन करना पड़ेगा असाइनमेंट का। किसकी बात हो रही, किन बच्चों की, जो आरसी दिल्ली 1 से बिलोंग करते हैं, मतलब रीजनल सेंटर दिल्ली 1 से बिलोंग करते हैं। ये लिंक है सर जहां पर आपको कोई गूगल फॉर्म मिलेगा जहां पर आप क्लिक करके फॉर्म जो है भर के अपना असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। ये लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं सर। यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट ऑफ ईच कोर्स सेपरेटली, बेसिकली सर इन्होंने क्या कहा है सर, सेपरेटली ईच कोर्स जो है आपको अपना असाइनमेंट का जमा कराना है। लाइक अगर आपके पास सब्जेक्ट है MCO 01, MCO 02, MCO 03, तो सर MCO 01 का एक अलग
जो है फाइल बना के आपको सबमिट करनी है, MCQ02 के लिए अलग फाइल, MCQ03 के लिए अलग फाइल, जितने सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको जो है सेपरेटली अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट ऑफ टू डिफरेंट कोर्सेज यू हैव टू फिल गूगल फॉर्म टू टाइम्स, आपको दो बार गूगल फॉर्म फिल करना होगा। दोज लर्नर हु हैव ऑलरेडी सबमिट दी हार्ड कॉपीज ऑफ देयर असाइनमेंट एट देयर रिस्पेक्टिव LSCs दे नीड नॉट टू री सबमिट देयर असाइनमेंट अगेन ऑन दिस लिंक। इसका मतलब ये है सर, जिन बच्चों ने अपना जो है स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर पे हार्ड कॉपी अपनी जाकर सबमिट की थी, उन बच्चों को इस प्रोसेस से नहीं गुजरना, मतलब सर उन्हें दोबारा से जो है रीसबमिट असाइनमेंट नहीं करना, क्योंकि सर वो पहले ही जो है अपना स्टडी सेंटर रिजल्ट सेंटर पे असाइनमेंट सबमिट कर आए हैं। तो सर ये बात उनके लिए नहीं हो रही, ये बात उनके लिए जिन्होंने सर ईमेल के जरिए जो है ऑनलाइन मोड में अपना असाइनमेंट सबमिट किया था और अब सर उन्हें दोबारा सबमिट करना पड़ेगा जो RC दिल्ली 1 के हैं। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू आर एडवाइज टू सबमिट अ PDF फाइल। क्या खास है, आपको सर PDF फाइल सबमिट करने स्कैंड कॉपी ओनली हैंड राइटिंग असाइनमेंट। सर वो कह रहा है कई बच्चे क्या कर रहे हैं सर, कंप्यूटर द्वारा जो प्रिंटेड होते हैं उसको सबमिट कर रहे हैं, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको अपने हाथ से लिखा हुआ असाइनमेंट सबमिट करना है। ईच पेज ऑफ योर असाइनमेंट मस्ट कैरी योर सिग्नेचर, हर पेज पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए और नेम होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। डोंट सबमिट द सेम फाइल अगेन एंड अगेन फॉर द सेम कोर्स। सर एक ही कोर्स के लिए बार बार एक ही फाइल को मस्ट सबमिट करना, सर बच्चे कई बार गलती कर रहे हैं कि एक ही फाइल को चार चार पांच पांच बार जो है सेंड कर दे रहे हैं ताकि सर उनका जो है असाइनमेंट सबमिट हो जाए, तो सर एक ही बार सेंड करना है, चेक कर ले ध्यान से कि वो पूरी तरह सेंड हुआ है नहीं हुआ, सर चेक करने के एक घंटे बाद से तक देखें सर अगर नहीं सेंड होता तो जाके दोबारा करें। द फर्स्ट पेज ऑफ योर असाइनमेंट मस्ट कैरी फॉलोइंग डिटेल्स, सर फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिखा होना चाहिए, सर पहला सर लाइक हमने पहले ही बता दिया सर आपका नेम ले होना चाहिए, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, रीजनल सेंटर का कोड, स्टडी सेंटर का कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड ऑफ अटैचमेंट असाइनमेंट जो कोर्स का कोड है वो, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका, लाइक अगर उन्हें कोई क्वेरी होती है तो आपसे कॉल करके पूछ ले, और आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। मतलब बेसिकली सर ये 8 चीजें आपके असाइनमेंट पे होनी जरूरी है। 6 पॉइंट की बात करें, फॉर ईच कोर्स देयर असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज शुड बी स्कैन वन सिंगल PDF फाइल, मीन्स इफ देयर 10 क्वेश्चन इज ऑन वन असाइनमेंट देयर शुड नॉट बी सेपरेट PDF फाइल फॉर दिस आंसर। मतलब सर ये है कि अगर आपके एक असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन है तो ये नहीं कि सर हर एक क्वेश्चन के लिए आप एक अलग PDF फाइल जो है सबमिट करेंगे, सर 10 के 10 क्वेश्चन को जो है आप स्कैन करेंगे अपने पेजेस को और एक PDF फाइल कन्वर्ट करके उसको जो है सबमिट करेंगे। देयर शुड बी अ स्कैन वन सिंगल PDF फाइल और इजी अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, और वो सर इजियर भी रहेगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट पढ़ते हैं, आपको 6 पॉइंट समझ आ गया होगा, 7 पे चलते हैं। नेम ऑफ PDF फाइल शुड बी यूनिक फॉर्मेट, सर यहाँ पर आप बात कर दी लाइक बच्चे क्या कर रहे थे, जो ईमेल के जरिए लिख रहे थे कि सर हमारा ये जो है सब्जेक्ट का नाम है, ये हमारे कोर्स का नाम है, तो सर अब क्या कह दिया गया, सर जो नेम होगा PDF फाइल का वो सर यूनिक फॉर्मेट में होगा। अब यूनिक फॉर्मेट क्या होता है वो आपको बताएंगे, एंड वो एनरोलमेंट नंबर एंड कोर्स कोड, बेसिकली क्या बोला इन्होंने, जो सर यूनिक फॉर्मेट होना चाहिए आपकी PDF फाइल का वो क्या होगा, एनरोलमेंट नंबर एंड कोर्स कोड, मतलब सर 10 अक्षर का आपका जो मतलब 10 जो है वर्ड्स का आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो डालेंगे, उसके बाद अपना कोर्स कोड डालेंगे लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1, मान लो 10 अक्षर हो गए, देन उसके बाद MCQ01 फॉर एग्जांपल दिया इन्होंने, लाइक आपका कोर्स कोर्स का नाम है MS01, कोड है सर आपका जो है सब्जेक्ट का असाइनमेंट का, आपको सेंड करना है स्कैन कॉपी हैंड राइटिंग असाइनमेंट रिस्पॉन्स ऑफ 1 PDF, ये तो आप समझ गए। फाइल का नाम कैसे होगा सर, 10 आपके ये रहे सर एनरोलमेंट नंबर और ये रहा आपका सर कोड, जो सब्जेक्ट का कोड है। आई थिंक आपको ये यूनिक फॉर्मेट के बारे में पता चल गया होगा, जो यूजर नेम रहेगा PDF फाइल का। 8वें पॉइंट पे चलते हैं, आफ्टर सक्सेसफुली सबमिट असाइनमेंट यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी में क्या होता है आपको रिसिप्ट नहीं मिल रही थी, बट यहाँ पर आपको जो है एक रिसिप्ट जो है आपको रिसीव हो जाएगी कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया है बाय ईमेल आईडी और गिवन आईडी, प्लीज कीप सेफ विद यू एंड डू नॉट फॉरवर्ड द सेम एनी न्यू ईमेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये प्रोसेस कर लेते हैं और रिसिप्ट आप जो है रिसीव हो जाता है इग्नू की तरफ से आपको रिसिप्ट, तो सर इस अपने जो PDF फाइल को कहीं और किसी और इग्नू की ईमेल आईडी पर ना सेंड करें। अगर कोई भी क्वेरी होती है सर, 9th पॉइंट में लिखा है सर कोई भी क्वेरी होती है, तो सर मंजू कालरा जी हैं जो जो है इग्नू RC दिल्ली 1 की जो है आपके ऑफिसर हैं, जो वो क्या करेंगे सर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको आपकी वो क्वेरी को जो है सॉल्व करेंगे। तो सर आप इनकी ईमेल आईडी पे अपने क्वेश्चंस को लिख के भेज सकते हैं। क्या आईडी है सर, मंजू कालरा @ignu.ac.in।
तो ये सर डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने रीजनल सेंटर के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट की है रीजनल सेंटर दिल्ली वन के। तो सर जितने ही बच्चे आरसी दिल्ली वन के हैं सर आप लोगों के लिए स्पेशली ये नोटिफिकेशन थी। तो अगर आप जितने ही बच्चे हैं सर प्लीज़ इस वीडियो को सर आरसी दिल्ली वन वाले बच्चों के पास तक पहुंचा दीजिए ताकि सर उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि सर जो उन्होंने ईमेल आईडी पे इग्नू को जो है अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं वो सर अब इस गूगल फॉर्म के जरिए अपने असाइनमेंट सबमिट कर लें। बाकी जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सर हो सकता है सर अदर रीजनल सेंटर्स के भी जो है अपना गूगल फॉर्म निकाले क्योंकि सर ईमेल आईडी में सर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ईमेल आईडी में हो क्या रहा है सर एक एक टाइम पीरियड के बाद सर क्या हो जा रहा है कि वो ईमेल आईडी की जो डिस्क है वो भर जा रही है मतलब सर फुल हो जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है सर जब डिस्क फुल हो जाती है तो सर क्या होता है नई ईमेल्स आ नहीं पाती तो सर यही दिक्कत पड़ रही है। तो शायद हो सकता है और भी रीजन सेंटर जो है अपना ये गूगल फॉर्म जो है बनाए और सर आपको उसके जरिए जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करना पड़े। आई थिंक ये चीज़ अगर पहले ही गुनू अगर कर देता तो सर ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजियर होती क्योंकि सर बच्चे बड़े परेशान थे इस चीज़ को लेकर सर कि किस ईमेल आईडी पे सेंड करें कहाँ सेंड करें कैसे सेंड करें। तो शायद अगर यही चीज़ सर पहले हो जाती तो बच्चों को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती पर कोई नहीं सर लेट ही सही पर इन्होंने सर सही चीज़ को जो है आगे लाए। तो सर ये सही चीज़ है तो जाहिर सी बात है और भी इग्नू सेंटर्स जिनको सर बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है असाइनमेंट रिसीव करने में वो भी इस चीज़ को अपनाएं। आई होप सर आपको ये वीडियो समझ आई होगी और सर आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि सर आरसी दिल्ली वन वालों के पास ये नोटिफिकेशन पहुँचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए सर आई होप यू लाइक द वीडियो सर। तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सर लेटेस्ट अपडेट के लिए क्योंकि सर ये एक इकलौता चैनल है जो आपको सर बहुत ही तेज़ी के साथ अपडेशन जो है प्रोवाइड कराता है। तो प्लीज़ अपना भाई मान के अपना मेंटोर मान के सर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सर हमें इनकी एक फैमिली बिल्ड करनी है जिसके जरिए सर हम अपनी नोटिफिकेशन सभी बच्चों को एक साथ शेयर कर सके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता सके कि सर ये नोटिफिकेशन आई है। तो सर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सर वीडियो को लाइक करें कमेंट जरूर करना सर कोई भी क्वेरी हो या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी सर कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि सर वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। और सर चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच विश यू ऑल द बेस्ट।